आरजीपी अपडेट में बेक्स और बीक सबका स्वागत करते हैं। आज अपने स्टूडियो में एक स्पेशल गेस्ट पधारे हैं, लेडीज एंड जेंटलमैन, मिलिए मिस्टर टैक्स। हाय। ये एक दिलचस्प टेलीविजन फोक है, लेकिन टैग मैं तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहूंगा। मैंने सुना है तुम्हें पहली एंडोर्समेंट मिली है। क्या एंडोर्समेंट? चलो देखते हैं। ये क्या था? टैग से दोबारा बात करेंगे, पहले हमारे स्पॉन्सर्स से मिलते हैं ब्रेक के बाद। वो इतना भी बुरा नहीं था। क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? वो इतना बुरा था कि मैं उसके ऊपर एक आसानी से कविता लिख सकता हूँ। पढ़ने वालों पर तो तरस खाओ। नहीं तो और क्या करूँ, मुझे एक प्रोफेशनल रेसर होना चाहिए और ना कि एक जोकर। वो सिर्फ एक छोटी सी एड थी और छोटा सा शो था, वो इतना ध्यान नहीं देता। मुझे पता था कि ऐसा ही कुछ होगा। अरे बैठ जाओ मेरे दोस्त, माइल्स कहाँ पर है? अभी अभी यही थे, उन्हें भीड़ में रहना अच्छा नहीं लगता। फेम एंड फॉर्चून के साथ तुम्हें कैसा फील हो रहा है? मुझे उसके बारे में कोई बात नहीं करनी। क्यों नहीं? अब तो ये तुम्हारे आरजीपी कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है, तुमने अपनी मर्जी से उसे साइन किया है। अपनी मर्जी से? इसका मतलब तुम खुद एक कॉपीराइट कैरेक्टर बन गए हो, जिसको मौका दिया है रिम्बा ग्रैंड प्री ने। कार्टून्स, कमर्शियल्स, टैग, अब सीरियल के बॉक्सेस पर भी तुम्हारी फोटो होगी। और यही तो गेम है मेरे दोस्त, तुम रेस लगाओ और वो तुमसे बेशुमार पैसे बना लेंगे। मुझे इस बारे में किसी से बात करनी होगी, शायद टॉरस और शायद किंग। गुड लक। मैम, आपके लिए और कुछ लाऊं? नो थैंक्स। का हो नए आरजीपी सेलिब्रिटी का क्या हाल है भैया? मुझे तंग मत करो मीलो। ये है एनर्जी ड्रिंक, तो मैं बता तुम कितने लकी हो। हाँ? ये हमारा पहला कमर्शियल था, लेकिन टैग इसके लिए एकदम परफेक्ट और कूल है, जबकि तुम्हारा ड्रिंक में बिल्कुल दम नहीं है। मैं 10 काइन पी चुका हूँ लेकिन कौनो असर नहीं हुआ। ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? क्योंकि तू यहाँ से नहीं से, ये सब थारे वास्ते नया से। क्या तुम हमेशा ही ऐसे परेशान रहती हो या शक्ल ही ऐसी है? इससे थारा कोई वास्ता नहीं से। हाय। वॉच आउट। सॉरी, गलती से लग गया। तुम इधर क्या करता है? गलती से मिस्टेक हो गई। वो तो होएगा। यहाँ पर हर कोई एक बार तो गलती करता ही चे, लेकिन सिर्फ एक ही बार, क्योंकि दूसरी गलती अपन माफ नहीं करता। लगता है मेरे बुरे दिन शुरू हो गए हैं। Hey Miles, तुम्हें पता है मेरे दोस्तों ने एक बार फिर मेरी इंसल्ट की, मुझे बहुत अच्छा लगा। क्रॉम और रेक ने हाय कहा है। अगर इस बारे में सोचा जाए तो क्या तुम्हारे पास कोई फोर्स फील्ड या फिर कोई अनब्रेकेबल रिपेयर या फिर कोई ऐसी चीज है जो हमारी रेस में मदद कर सके? Miles? अब टैग कैसा है? नर्स ने कहा ये ठीक हो जाएगा, लेकिन अगली रेस नहीं कर पाएगा। पर हुआ क्या था? मैं जल्द ही पता लगा लूंगा। क्या तुम दोनों इसका ख्याल रख पाओगे? हाँ क्यों नहीं,
बिल्कुल बच्चे की तरह, भले ही बुरे वक्त में उसका परिवार उसके साथ ना हो। सिर्फ मैं ही नहीं, यहाँ तो माइल्स भी डरा हुआ है। मुझे तो ऐसे कौन हमला कर सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। हमारे सिवा किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। बहुत गलत हुआ, मैं वादा करता कि मैं इन सब की बहुत ही अच्छी तरह से जांच करवाऊंगा, समझा? वहाँ कैमरे में टाइक का हमलावर जरूर दिखे से। अयो नहीं, प्राइवेसी को बरकरार रखने के लिए वहाँ कोई कैमरा नहीं लगा। तो आप ये कहना चाहते हैं मिस्टर किंग, आपको नहीं पता वो कौन है और इसका जिम्मेदार कौन है? मैं क्या कहता हूँ उसको समझो, मैं टैग के हमलावर को ढूंढ के निकालेगा और उसको सजा मिलेगा, ये मेरा वादा है। क्या इतना काफी होगा? अगर किसी को एतराज नहीं है तो मैं माइल से अकेले में कुछ बात करना चाहता। तो मेरे प्यारे दोस्त, तुम्हें क्या लगता ये सब मैंने कराया? मैं आप पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ किंग, लेकिन यहाँ कुछ गड़बड़ जरूर है और मुझे पूरा यकीन है आप इसके बारे में जरूर जानते हैं। मुझे तुम्हारी और तुम्हारे ड्राइवर की बहुत चिंता, तुम्हारा दिन कुछ ठीक नहीं लगता, बहुत बुरी बात। गैराज में तो कोई कैमरा नहीं लगा, इसका मतलब किंग सही बोल रहे थे, लेकिन आराम देखा क्या? मीका कहाँ है? टैग, तुम्हें कैसे लग रहा है? मीका? वो कॉफी लाने गई है, क्या हुआ था? क्योंकि मैं सोच रहा था कि आँख खुलने पर मैं उसका चेहरा देखूं, ना कि तुम्हारा सनी। लगता है उस चोट ने तो बड़ा दिमाग बिल्कुल खोखला कर दिया है। अगर तुम सोचते हो कि मैं इतना बुरा दिखता हूँ तो सच में तुम्हारे दिमाग पर उस चोट का गहरा असर हुआ है। तुम क्या देख रहे हो? वो इतना जरूरी नहीं है, तुम आराम करो, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। एक मिनट, माइल्स कहाँ है? डैड, नर्स से तुम्हें आराम करने को कहा है। हमें माइल्स को ढूंढना होगा अभी। उन्होंने कहा था वो आ जाएंगे। वो जरूर ये ढूंढने गए होंगे कि मुझ पर आखिर किसने अटैक किया। तो इसमें बुरा क्या है? तुम माइल्स को नहीं जानती, वो अच्छे के साथ अच्छे है और बुरे के साथ बहुत बुरे। बोलो वो तुम ही थे ना? अरे हमका नीचे उतारो काले कोट वाले बुढ़ाओ। जवाब दो मुझे। तुम का मुझे उल्लू समझ रहे हो? माइल्स, रुक जाओ। अरे दद्दू को कोई समझाओ ना, पगला गए हैं वो। हमारे अंदर जाने से पहले यही हमारे गैराज के इर्द गिर्द घूम रहा था। वो मेलो ही था माइल्स, मेरे ख्याल से ये टेढ़ा जरूर है लेकिन मुजरिम नहीं, मैं सहमत नहीं हूँ। कौनो बात नहीं, और इससे तो एक मक्खी भी नहीं मारी जा सकती, वो टैग पर क्या हमला करेगा मुझे नहीं लगता। सही पकड़े हो, उसने सही कहा माइल्स। टैग, जरा आराम से। ओह, इनका प्यार देख के मेरा दिल भर आया। दिल भर आया, हमारा तो हड्डी पसली एक हो जाता अगर तुम लोग टाइम पर पहुंचते नहीं यहाँ। बुढ़वा बहुत ताकतवर है। तुम ऐसे किसी को बेवजह मार नहीं सकते। मुझे मीलो पर शक था। किंग और उसके आदमी इसके बारे में छानबीन कर रहे हैं। हे, अपनी डील याद रखो, एक ही शर्त पर हम एक साथ काम करेंगे और वो है, मुझे और गुस्सा मत दिलाओ। सही कहा, ये माइल्स बहुत बहुत बुरे हैं और उन्हें आराम की जरूरत है, तो जरा अपना भेजा ठंडा रखो और भागो भूत आया। ओ तमीरा, तुम यहाँ? हाय। मैं जरा कार को देख लेता हूँ। थन्ने रेस के वास्ते मंजूरी दे दी गई से, इसीलिए मैं थन्ने देखने आई से। ओ हाँ, तुम कितनी अच्छी हो। हाँ, और मैं भी बहुत अच्छा हूँ, 100%।
चलो अच्छा है, क्योंकि जब मैं थने हराऊंगी थारे पास कोई बहाना नहीं होगा। कल मिले से। ये लड़कियां भी वो तुम थे है ना? अगर वो अपन होता तो आज तुम यहाँ पर खड़ा नहीं होता। तुम्हें पता है क्रोम, मैंने तुमसे माफी मांगने की बहुत कोशिश की, लेकिन तुम जितना भी मेरे बारे में बुरा सोचोगे मैं उतना ही आगे बढ़ता जाऊंगा। बॉयज एंड गर्ल्स, आरजीबी की रेस शुरू होने वाली है और हम सब उस शाम का इंतजार कर रहे हैं जो है अनरियल। हेलो दोस्तों, हैलन एयर डिस्ट्रिक्ट में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एक ऐसा इलाका जहां हर तरफ खतरा ही खतरा है। अब ये तो हमारे रेसर्स को डिसाइड करना है कि क्या रियल है और क्या अनरियल। क्या तुम ठीक हो? और रिपोर्ट सही है ना? रिपोर्ट ठीक है माइल्स, पहले मुझे किसी और का ध्यान रखना है। यो बिल्ले, तुझे अब उनसे पंगा लेना है तो कर देता हूँ तेरी इच्छा। वो काफी ताकतवर है टैग, तुम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। मैं सिर्फ उसका ध्यान भटकाना चाहता हूँ। ये तो अच्छा, लेकिन तुम ऐसा करना क्यों चाहते? क्योंकि मैं सही कह रहा हूँ माइल्स। असली नहीं है, बिल्कुल नहीं। बाप रे, ये असली है। मैंने कहा था ना, मेरे रास्ते में मत आना। तो तुम्हें लगता है क्रोम ने तुम पर अटैक किया? मुझे तो उसी पर शक था। चलो अब बातें बाद में और रेस पहले। मुझे लगा तुम ये भूल गए। ये क्या है? जब मैं अंदर गया तब टैग जमीन पर पड़ा था और उसके बाजू में वो कर्गन रेंच था। टैग, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? धीरे चलाओ। धीरे चलाओ? हाँ, तुम पर किया गया अटैक सिर्फ हमें गुमराह करने के लिए किया गया था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम्हारी कार में कुछ गड़बड़ है टैग, शायद कोई पार्ट गायब हो। कर्गन रेंज की मदद से तुम्हारा पत्ता साफ करने की कोशिश की गई। इसका इस्तेमाल कूलेंट सिस्टम के लिए हो सकता है। इंजन कुछ देर चलने के बाद गर्म होता है और क्या? Well, फट सकता है। मैं कितनी स्पीड तक जा सकता हूँ? 80 से ज्यादा नहीं। जरा रुको, मैं देखता हूँ तुम इसे कैसे फिक्स कर सकते हो। मैं कार
कार चलाओ या ये सब फिक्स करते बैठूं माइल्स? नहीं तो तुम्हें कार से नीचे उतरकर धक्का देना होगा। चलो उसी बहाने तुम्हें थोड़ी अकल तो आ जाएगी। लेफ्ट पैर के नीचे पैनल दिखाई दे रहा है। हाँ। खोलो उसे। अब तुम्हें ब्रेकर्स को कूलेंट कंट्रोल से डिस्कनेक्ट करना। माइल्स, यहाँ पर तो बहुत सारी वायर्स दिख रही है। उसमें से ग्रीन और ब्लैक वायर खींचो। लेकिन ध्यान रहे, कोई भी दूसरी वायर डिस्कनेक्ट नहीं होनी चाहिए। सुना तुमने? स्पीड पर ध्यान दो टैग। मुझे याद है। बहुत बढ़िया, कूलेंट फिर से ऑनलाइन हो गया। फ्यूल चेक करो। लगता है कि फ्यूल टैंक लीक हो गया है। पीछे देखो, तुमने फ्यूल की एक लाइन बना दी। क्या? यानी फ्यूल के साथ साथ आग भी तुम्हारे पीछे आ रही है। आग? क्या कहा आपने? ये तुम क्या कर रहे हो? हट जाओ वहां से। अभी नहीं, मेरे पास एक आइडिया है। माइल्स, मैं ठीक हूँ। मैं किस पोजीशन पर आया? सातवें नंबर पर। मैं हार गया। मैं जानता था। आज तो तुम जीतते जीतते हार गए। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी। अच्छी बात है। ओह, हमको पता तुम पर हमला किसने किया? वाकई? हमारे ही एक चौकीदार को जुआ खेलने का बड़ा शौक। अपने सारे पैसे दाव पर लगाकर टैग को रेस से बाहर निकालना चाहता, लेकिन वो पकड़ा गया। ये सुनकर अच्छा लगा। थैंक यू। क्या आपने किंग की बात सुनी माइल्स? मुझे लगता है कि आपको मीलो से जाकर माफी मांगनी चाहिए और साथ में एक गिफ्ट भी लेके जाना। मैं अपना देख लूंगा, पहले तुम जाकर के क्रोम से माफी मांग लो। उससे काम नहीं बना से, मैं उसे बाहर नहीं निकाल पाई। हाँ, लगता है टैग यहीं रहने वाला से।